हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज मेरी रेसिपी बाजरे की चीले का है। तो आज इतनी ठंड में अगर बाजरा नहीं खाया तो क्या खाया। बाजरे के आटा का चीला बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी आप लोग देखिए। और ये इधर ली हूँ मैं बथुआ। बथुआ को मैं छोटा छोटा, मतलब पतला पतला छोटा छोटा मैंने चॉप कर लिया इसको, और इसको मैं डालूंगी उसी के अंदर, चीले के अंदर। और इधर मैं अदरक और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा कूट के बना लूंगी, क्योंकि उसमें डालना है हमको चीले के अंदर। इतनी सर्दी पड़ रही कि हालत ख़राब है सभी की। और इस सर्दी में जितना हो सके उतना हम गर्म चीज़ खाने का सोचते हैं, तो बाजरा हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बूस्टर करता है, मजबूत करता है, अंदर से गर्म भी रखता है। तो बाजरा ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में किसी भी तरह से। तो देखिए, और मैं इधर गाजर ग्रेट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गाजर और प्याज दोनों डालना है। इधर मेरा गाजर और प्याज ग्रेट हो गया। और ये मैं ली हूँ 2 कप बाजरा, और इसके अंदर मैं डालूँगी ये सब जो, अब इसमें पहले 2 कलछा डालूँगी दही, दही तो पड़ेगा ही चिले में। और इसके अंदर फिर मैं क्या डालूँगी, अपना जो काट के रखी हूँ बथुआ, तो बथुआ भी इसके अंदर ही जाएगा। कितना हेल्दी बन रहा है इसको भी देखिएगा आप लोग, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, इसके अंदर मैं सारा बथुआ अपना डाल दिया, 250 ग्राम बथुआ था, इसको मैंने दम छोटा छोटा काट लिया था। और इसमें एक जाल डाल रही हूँ छोटा छोटा चॉप करके, प्याज रखी हूँ इसको भी डाल देती हूँ। और इसके अंदर फिर एक गाजर ग्रेट करके रखी हूँ इसको भी डाल दूँगी। और बहुत हेल्दी बनता है, बहुत टेस्टी भी बनता है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी थोड़ा सा। मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरा मिर्च भी पेस्ट जाएगा तो थोड़ा ही डालना है लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ा थोड़ा ये नमक गया, और थोड़ी सी डालूंगी, थोड़े थोड़े पानी डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड, मतलब फेंट लूंगी। ये अजवाइन है, अजवाइन को भी थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी, क्योंकि चीले हो चाहे कोई भी चीज़ में थोड़ा सा अजवाइन भी गर्म रखता है, इसको भी खाना चाहिए सर्दियों में। तो इसको भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, ज़्यादा पानी डाल के एक साथ नहीं मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद जब ये अच्छे से फूल जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको, और जैसा होगा अगर ज़्यादा कम होगा जैसा, वैसा पानी डाल के मैं अपना करूँगी। तो देखिए, इसको मैं अच्छे से अब मिक्स कर लेती हूँ। और अच्छा होता है, खाना चाहिए बाजरा को। और सब जगह कितनी सर्दी पड़े जरूर बताइए कमेंट करके। अब यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत ठंडी, दिल्ली में क्या सभी जगह है सर्दी से, तो हाथ पैर सब एकदम ठंडे ठंडे से हो जा रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये रेडी हो गया। अब इसको ढक के रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद तब तक मैं अपना चटनी रेडी कर ली थी, चटनी का वीडियो नहीं दिखाई। और फिर मैं ये अपना अच्छे से फेंट लेती हूँ, देखती हूँ अभी तो बहुत गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी, पानी डाल के इसको थोड़ा पतला करूंगी, क्योंकि ज़्यादा ठीक लग रहा था। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर लगाते हैं अपना तवा, गैस पे रखते हैं, और चीला बना के दिखाती हूँ। कभी सोचा नहीं होगा कि इस आटे का भी चीला बन सकता है, मतलब वो भी बाजरे का आटे का। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादातर तो हम लोग बेसन और सूजी का ही चीला खाते हैं। मैं भी ट्राई कर रही थी, 2-3 बार बनाई हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं कि इसकी रेसिपी डाल दूँ। तो जिसको बनाना होगा वो अपना बना के खाएगा, सर्दियों के लिए बेस्ट नाश्ता है। इसके साथ गर्मा गर्मा एक कप चाय मिल जाए तो और टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। तो देखिए, नाश्ता ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम आप इसको बना के खा सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं ऑयल लगा के चारों तरफ तवे पर फैला दी हूँ, इसको ढक के रख दूँगी थोड़ा देर के लिए। और थोड़ी देर बाद देखिए, एकदम अच्छे से नीचे से पक गया है। फिर चारों साइड से फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि अच्छे से पक भी जाए। और इसके बाद फिर इसको पलटते हैं आराम से, और छूट भी जाता है आराम से, पक जाता है नीचे से। तो आराम से इसको मैं अब पलट दे रही हूँ, पलट के दोनों साइड से ढक करके मीडियम आँच पर। देखिए कितना कुरकुरा लग रहा है, एकदम कुरकुरा भी बनता है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह का चीला हमें चाहिए, तो हमारा रेडी है। अब पीछे साइड का भी मैं ढक के थोड़ा सा सेक लेती हूँ अच्छे से, तो इसको भी ढक दी। अब थोड़ा सा सेक जाएगा तो फिर आगे का दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड से मेरा पक गया एकदम बढ़िया। अब इसको अच्छे से दबा दबा के भी सेक लेंगे,
और इसको देखिए एकदम बढ़िया दोनों साइड से हो गया मेरा। सर्दी का आनंद होता है यही सब खाना सर्दियों में, कचौड़ी पूड़ी ज़्यादा लोग खाते हैं। तो देखिए हेल्दी नाश्ता है एकदम परफेक्ट, बाजरे के आटे का चीला। तो देखिए दोबारा भी मैं इसी तरह से आप लोग को बना के दिखाती हूँ, ये गया दोबारा भी आराम से आप लोग को मैं बता दे रही हूँ अच्छे से कि अच्छे से बन जाता है, खट्टा भी नहीं है और ना तो चिपकता है, मीडियम आँच पे ही बनाने से ज़्यादा अच्छा से बन जाता है। तो देखिए मेरा ये भी हो गया, ये थोड़ा मैं रख के चली गई थी तो थोड़ा सा कलर डार्क हो गया पीछे से, कोई नहीं हमें कोई नहीं, ये भी दिखा देते हैं, देखिए कितना काला हो गया। तो कोई नहीं मैं रख के चली गई थी थोड़ा सा बाहर क्या मतलब दूसरे कमरे में। अब देखिए मेरा सारा चीला बन गया है, अब आप लोग को प्लेटिंग करके दिखा देते हैं। ये रहा ग्रीन चटनी, ये रहा मेरा आंवला का चटनी जो आप लोग को वीडियो में दिखाई हूँ कैंडी मीठा वाला, और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट कैसा बना ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो देखते हैं आप लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। फिर अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू।